हेलो, नमस्कार दोस्तों। 22 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो मेंस का क्वेश्चन है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि आज काफी लेट हो गए हैं। तो जो मेंस का जो क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है वो मेनली आज के करंट अफेयर से ही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले जो एक आर्टिकल है वो मेनली कावेरी रिवर के डिस्प्यूट के बारे में है। तो देखो, इस आर्टिकल में मेनली दो तीन पॉइंट काम किया हूँ, आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन है वो सुना है, अपना वर्डिक्ट है वो दिए कावेरी वाटर के बारे में, कि भाई तमिलनाडु को पानी है वो थोड़ा कम मिल जाएगा और कर्नाटक को पानी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो दोनों स्टेटों में कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की इस बात का रिस्पेक्ट किया जा रहा है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि अभी देखो वहाँ पे कर्नाटक में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोली थी कि भाई कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है उसका निर्माण किया जाए ताकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर 15 साल के लिए फिक्स किया जाएगी। हाँ भाई, 15 साल तक पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होगा। बट अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ना कर्नाटक में, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पे क्या चाह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ना इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए, इसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा लेट किया जाए, क्योंकि वो वोट बैंक के चक्कर में ऐसा कर रही है जो कि काफी गलत है। देखो राइटर ऐसा कह रहे हैं कि देखो इस तरीके के जो काम है ना, कि मतलब पानी के चक्कर में जो राजनीति की गई है पहले भी, वो कोई सफल नहीं हो पाई है और हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सत्ता थी वहां पे, तो उसने भी कर्नाटक में पानी के डिस्प्यूट के लिए जो स्टेप आए थे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, तो उन्होंने भी उस टाइम पे कुछ चेंजेस वगैरह करने की कोशिश की थी, या जो भी एग्रीमेंट साइन हुए थे उस टाइम पे कावेरी रिवर के लिए उनको एक्चुअली कैंसिल कर दिया था। बट रिजल्ट उनका कोई फायदा नहीं हुआ था। इसी के साथ एग्जाम्पल दिया जाता है पंजाब का, कि भाई पंजाब के अंदर भी एक बार पहले इस तरीके के स्टेटमेंट, मतलब पंजाब में भी इस तरीके के काम हुए थे, और भी रावी और व्यास जो रिवर है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, बट उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ था जब पानी का लेके मुद्दा बनाया गया था। तो मतलब राइटर का देखो फोकस यही है कि भाई जो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसे कोई डिले नहीं करना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है वो भी बनी रहे और काम होता रहे। क्योंकि देखो वोट बैंक के चक्कर में ऐसे स्टेप नहीं उठाने चाहिए, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। तो यही इसमें बेसिक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो मेनली एक दो तीन पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो मेनली आर्टिकल है ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला मेनली ये आर्टिकल था, ये मेनली था आप गवर्नमेंट के बारे में था। तो इस आर्टिकल में एक पॉइंट यह दिया गया है कि भाई अभी दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अभी वहाँ पे रिसेंटली केस ये हुआ था कि वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था आपके जो एमपीएल हैं वगैरह उनके द्वारा। उस बात का इश्यू काफी बना था कि भाई उन्होंने अटैक वगैरह किया, तो अच्छी बात नहीं कि मतलब ब्यूरोक्रेसी इस तरीके के अटैक वो करवाए जा रहे हैं। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तब से उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ बिल्कुल नहीं बनी, मतलब ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका हमेशा रिलेशन वो अच्छा नहीं रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि राइटर ऐसा कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक्चुअली संविधान के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है, नौकरशाही का। नौकरशाही का काम ही होता है कि भाई जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको फॉलो करें, तो ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के प्रति किस तरीके से काम, क्योंकि उसका मेन फोकस ये होता है कि जो लो कानून बने गए उनकी तरफ फोकस करना। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को स्टेप बनना मतलब एक ढंग से उठाने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी वगैरह पे इस तरह के अटैक वगैरह वो नहीं करने चाहिए। तो ये एक दो पॉइंट था जो हमने यहाँ पे देखा इस आर्टिकल में। मेन जो यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफी अच्छा है, इस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में देखो ये डिस्कस किया गया है कि जो रेमिटेंस है, जो मतलब रेमिटेंस के बारे में डिस्कस किया गया कि रेमिटेंस है वो काफी ज्यादा इंडिया को मिलती है, उसके बारे में इसमें कुछ पॉइंट है। तो यह जो आर्टिकल है यह मैंने GS2 और GS3 में इंपॉर्टेंट हो रहा है। GS3 में इकोनॉमी के पॉइंट में इंपॉर्टेंट होगा और GS2 में इंडियन डायस्पोरा के साथ वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहले रेमिटेंस होता क्या वो देखते हैं। रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम इंडिया के नजर से, कि देखो इंडिया का कोई आदमी अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है, ये मान लो कि कोई आदमी इंडिया का सिंगापुर रह रहा है, दुबई रह रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे वो इनकम कर रहा है। अगर वो सारी इनकम वहां पे जो 100 रुपए उसने कमाया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 100 के 100 रुपए वहीं खर्च करेगा, कुछ रुपए वो अपने घर भी भेजेगा। तो जो फॉरेन से उस इंसान ने जो कमाई की है वो इंडिया भेज रहा है, तो वो इंडिया के लिए रेमिटेंस हो जाएगी। जैसे उसने 100 रुपए कमाए और 80 रुपए उसने इंडिया में भेजे, तो 80 रुपए इंडिया के लिए रेमिटेंस है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया को रेमिटेंस वो काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो विदेशी कंट्रियों में बहुत रहते हैं। इंडिया के मैक्सिमम लोग वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, और भी देख लो इसका सिंगापुर वगैरह में भी रहते हैं। मतलब इंडिया का काफी बड़ा डायस्पोरा है विदेशों में, तो ऑब्वियसली वो लोग पैसा कमाते हैं वहाँ पे और वो पैसा इंडिया में आता है, तो इंडिया को उससे काफी फायदा होता है। एक तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है और बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि देखो लोगों को रोजगार वगैरह भी मिला तो इकोनॉमी भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना उन सारी चीज का। तो वो बात यहाँ पे राइटर डिस्कस करें। इसके बाद में यहाँ पे राइटर दो तीन बातें कह रहे हैं कि देखो जब 2008 के टाइम पे जो रिसेशन आए थे, मतलब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी मंदी हो गई थी, उस टाइम पे सीन ये हुआ था कि इंडिया और चाइना को काफी फायदा हुआ था, क्योंकि इंडिया और चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने इस चीज को एक तरीके से रेमिटेंस के तौर पर यूज किया और उन्होंने काफी अच्छा बेनिफिट कमाया। तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी है ना वो आगे बढ़ गई थी,
और इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा वही हुआ कि भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज था, चाइना भी उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्री था, तो दोनों ने रेमिटेंस का फायदा उठावा। और अब यहाँ पे बात राइट ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो इंडिया है वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस का, मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा लोग बाहर रहते हैं और सबसे ज्यादा लोग वो पैसा है वो भेजते हैं। जैसे इंडिया में मैक्सिमम रेवेन्यू है, इंडिया में जो मैक्सिमम पैसा है वो रेमिटेंस के थ्रू आता है, ऐसा राइटिंग करें। अब इसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि देखो रेमिटेंस होता है, इंडिया में जो पैसा आता है फॉरेन से उसका एक दो फायदे होते हैं। जैसे एक तो इंडिया के लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, दूसरा क्या होगा, इंडिया में पॉवर्टी है वो खत्म होगी। क्योंकि देखो अगर इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा बाहर जाके तो ऑब्वियसली उनको रोजगार मिले तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही उनको रोजगार वगैरह कोई इश्यू हो रहा है, तो एक तो हमारे देश की गरीबी है वो कम हो रही है, इसी के साथ रोजगार मिला तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो रही है कि मतलब उनको डबल बेनिफिट होता रहता है। और ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है ताकि जो यूथ है वो इधर उधर भटकते नहीं है। बट बाद में यहाँ पे राइटर एक नया पॉइंट उठा रहे हैं कि देखो हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि रेमिटेंस पे ज्यादा डिपेंड है, मतलब जो फॉरेन से जो इनकम होती है उस पर ज्यादा डिपेंड है। बात यहाँ पे एग्जाम्पल की जाती है केरला की, कि केरल जो स्टेट है वो रेमिटेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है और रेमिटेंस पे डिपेंड होने की वजह से उसको काफी लॉस हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है वो भी हम देखेंगे। देखो राइटर ऐसे कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज है ना, चाहे मिडिल ईस्ट देखो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें एक्चुअली जो पॉलिसी अपनाई जा रही है ना वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। वो पॉलिसी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम डायस्पोरा है ना वो देखो सबसे ज्यादा तो रहता है मिडिल ईस्ट में, तो नंबर एक तो आता है मिडिल ईस्ट का एरिया, दूसरा नंबर पे आता है वो आता है वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें आती है यूएसए एंड यूके वगैरह और कनाडा वगैरह ये कंट्रीज। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो अभी मिडिल ईस्ट है वहाँ पे भी एक्चुअली प्रोटेक्शन की पॉलिसी चल रही है कि वहाँ के जो मतलब वहाँ पे जो किंग वगैरह हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई फॉरेन के यूथ है मतलब बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे ना आए, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो भी प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखो वो अपने जो इमिग्रेंट्स के रूल रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया के लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, अगर इंडिया के लोग है मिडिल ईस्ट में नहीं जा पाएंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया को रेमिटेंस कम होगा तो उससे इंडिया को लॉस होने वाला है। दूसरी बात आती है देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से जो रेमिटेंस इंडिया को आता है वो भी कम इसलिए होगा क्योंकि अभी देखा था यूके था वो किस लिए एग्जिट हुआ था, मतलब ब्रेग्जिट क्यों हुआ था, ब्रेग्जिट इसीलिए तो हुआ था कि भाई ब्रेग्जिट का ये कहना था कि बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं वो यूके में आके जॉब ले रहे हैं, तो इससे वहाँ के लोगों को लोकल लोगों को रोजगार है वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आती है यूएसए की, तो यूएसए खुद आप देख लो प्रोटेक्शन की पॉलिसी वो लेके आ रहा है, उन्होंने H-1B वीजा का इश्यू आप देख सकते हो, तो मतलब सभी कंट्रीज अब क्या करी है अपने रूल रेगुलेशन टाइट करी है, वो ये चाह रहे हैं कि बाहर के लोग आके उनकी कंट्री में जॉब ना लें। तो ऐसे माहौल में इंडिया का तो मैक्सिमम लोग बाहर से जॉब कर रहे हैं तो इसलिए इंडिया को लॉस होने वाला है। और मेन बात आती है यहाँ पे केरला की, कि केरला की जो GDP है ना उसमें 36.3% जो इनकम होती है ना केरला की GDP की वो तो एक्चुअली उनको रेमिटेंस ही होती है, तो मतलब देखा जाए तो केरला की तो GDP वो ऑलमोस्ट इस रेमिटेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर इस तरीके से अगर फ्यूचर में जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं अगर उन्होंने ऐसे स्टेप उठा लिए तो ऑल ओवर बात सामने ही आती है कि भाई केरला को नुकसान होने वाला और केरला को अपनी इकोनॉमी है वो संभालनी पड़ेगी, क्योंकि भी अगर इस तरीके से इकोनॉमी चलती रही तो आगे इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकते हैं जिससे केरला को काफी कुछ नुकसान है वो हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर दो तीन चीजें ये कह रहे हैं कि देखो आगे के टाइम में अगर रेमिटेंस कम होता है तो इंडिया को नुकसान होगा और मेनली केरला को, तो केरला को अभी से स्टेप उठा लेने चाहिए कि भाई वो रेमिटेंस पे डिपेंड ना रहे, मतलब केरला को इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए कि अगर आगे प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाई जा रही है विदेशी कंट्रियों के द्वारा तो ऑब्वियसली जो इंडिया के यूथ वापस इंडिया में आएंगे, अगर वापस वो लोग यूथ इंडिया में आएंगे तो उनको रोजगार चाहिए, तो ऑब्वियसली केरला गवर्नमेंट को पहले से रोजगार है वो तैयार रखने चाहिए और अपना जो रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में सडनली रेमिटेंस वाला मामला खत्म हो गया तो इंडिया में मतलब केरला के पास रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली इसका नुकसान साफ साफ होगा, केरला की इकोनॉमी वो कोलैप्स हो जाएगी, तो इससे ऑल ओवर नुकसान तो केरला को होने वाला है ना, तो इसलिए केरला को पहले से भाई सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि केरला की सारी इकोनॉमी रेमिटेंस पे ही डिपेंड है। तो बाद में यहाँ पे घूम फिर के बात यही आ रही है। और लास्ट में देखो एक दो पॉइंट ये आते हैं कि केरला को अपने वर्कर्स के लिए जगह है वो तैयार, मतलब केरला को अपने वर्कर्स के लिए रोजगार है वो तैयार करना चाहिए, इससे के साथ ही बाकी ऑप्शंस की तरफ भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेमिटेंस पे फोकस करना अभी अच्छी बात नहीं है क्योंकि सभी कंट्रीज अपने अपने रूल रेगुलेशन वो टाइट कर रही हैं, विदेशी लोगों को वो अपनी कंट्रीज में नहीं रखना चाहती हैं। इसी के साथ देखा जाए तो बात आती है कि सोसाइटी में एक पॉइंट यहाँ पे छोटा सा दिया गया है कि देखो जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं तो उनकी उनकी उनके परिवार वालों को भी काफी इश्यू होता है कि काफी छोटी फैमिली होती है कुछ लोगों की, तो दो दो तीन तीन साल तक घर नहीं आते हैं तो उनकी फैमिली को काफी तनाव भरे माहौल में रहना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं नुकसान है, तो इसलिए लोगों को इंडिया के अंदर ही रोजगार की तरफ फोकस करना चाहिए ना कि बाहर की कंट्रीज पे। रेमिटेंस का फायदा होता है नो डाउट, बट इंडिया को अपने ही देश के अंदर रोजगार है वो क्रिएट करने होंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल और रेमिटेंस के बारे में डिस्कस किया गया था, तो हमने इसे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो मेनली हम यहाँ देखेंगे इसराइल और सीरिया के बारे में, तो इसमें दो तीन पॉइंट है और इसी के साथ यहाँ पे एक आर्टिकल और है
वो मेनली आया है सीरिया के बारे में। तो इन दोनों आर्टिकल को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल है सीरिया वाला, इसमें दो तीन पॉइंट हैं। तो दो तीन पॉइंट क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो तीन पॉइंट ये कहा गए हैं कि भाई सीरिया की एक सिटी है, सिटी का नाम है वो है ईस्टर्न गोटुका, ईस्टर्न गोटा। तो इस सिटी के बारे में कहा गया कि भाई ईस्टर्न गोटा जो सिटी है ना, इस सिटी के अंदर अभी एक्चुअली जो आप बोल सकते हो कि आतंकी संगठन वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग से सिटी पे कब्जा कर रखा था और अभी तक ये जो सीरिया की सिटी है इसको आतंकवादियों से मतलब मुक्ति वो नहीं मिली है। जो आप एक तरीके से आप बोल सकते हो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो अभी भी इस वाले एरिया में सत्ता है वो अपनी बनाए हुए हैं। तो इसलिए सीरिया को काफी दिक्कत हो रही है और सीरिया में पिछले 7 सालों से सिविल वॉर चल रहा है। इसके बाद में बातें आती है कि जो ये ईस्टर्न गोटा जो सिटी है, इस सिटी को जो आतंकवादी है ना मिलिटेंट्स है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब और ईरान। तो जिससे यहाँ पे तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे सिविलियंस है उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बाद में राइटर ये कह रहे हैं देखो ये सिविलियंस है ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सिविलियंस इस चीज के लिए जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स है इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट, सीरिया की ऑफिशियल जो फोर्स है जिसका नाम है असद रेजिम यहाँ पे क्या कर रही है, वो यहाँ के जो मिलिटेंट्स है इनको हटा नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग हैं वो एक्चुअली यहाँ की जो भी मिलिटेंट्स है इनको सपोर्ट करें। तो ऑब्वियसली मिलिटेंट्स को यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट करें तो यहाँ की जो असद पार्टी है उसको काफी दिक्कत हो रही है इनको हटाने में। तो ये हरा इशू यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने यही बात यहाँ पे कि सिटी के बारे में आया था कि ईस्टर्न गोटा जो सिटी है इस सिटी में भी समस्या वो बढ़ती जा रही है। तो इस आर्टिकल में यही दो तीन पॉइंट थे। कहा गया था कि अभी तक 270 लोगों की जाने वो अप्रोक्सीमेट चली गई है, दो तीन दिनों से काफी बमबारी वगैरह हो रही है। तो अब हम चलते हैं इस आर्टिकल तरफ, ये जो मैन है ना इसराइल के बारे में, इसराइल और सीरिया के बारे में। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इसमें काफी अच्छे पॉइंट है दो तीन और वो भी हम एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सर इसको हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू क्योंकि इसमें लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो आई होप आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैप देख लेते हैं। ये है सीरिया की लोकेशन आपको दिख रही है। अब सीरिया है, इसके ऑब्वियसली पड़ोसी देश में देख लो इसराइल है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे वाला हिस्सा टच हो रहा है और ये जो हिस्सा है ना सीरिया का थोड़ा सा ये वाला, इस वाले हिस्से को बोलते हैं गोलान हाइट्स। और ये गोलान हाइट जो हिस्सा है ये अभी है इसराइल के अंदर, पहले ये था सीरिया का एक पार्ट था गोलान हाइट्स, बट बाद में 1967 में एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के अंदर इसराइल ने इसे हड़प लिया और अभी जो गोलान हाइट्स वाला एरिया है वो है इसराइल के पास। तो मतलब बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहा है सीरिया और इसराइल का। अब इसराइल को इस वाले एरिया से इश्यू क्या है, इसराइल क्यों इस वाले एरिया में इन्वॉल्व? देखो सबसे पहली बात तो है पड़ोसी, और सीरिया के अंदर यहाँ पे आतंकी ग्रुप बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मिलिटेंट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो इसराइल को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेंगे। तो इसराइल इसीलिए इस वाले एरिया में बमबारी कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इश्यू पूरा फैल क्या रहा है और किस तरीके से सारी यहाँ पे रामायण महाभारत क्या हो रखी है उसको हम ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईआर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो इस मैप से हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। अब इश्यू ये है, देखो सीरिया है, सीरिया के अंदर वहां की ऑफिशियल जो वहां पे गवर्नमेंट बोल सकते हैं वो है असद रेजिम की, कि असद रेजिम है वहां पे लड़ाई करी और आईएस के खिलाफ खात्मा उन्होंने लगभग खात्मा खत्म कर दिया, बस कुछ एरियाज बचे हैं ऑलमोस्ट, बाकी उन्होंने खत्म कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो असद रेजिम है वो तो कर रही है यहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे देखा जाए तो ईरान है ना, ईरान का एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। अब ईरान एक मिलिटेंट्स ग्रुप, ईरान मतलब उस मिलिटेंट्स ग्रुप को सपोर्ट करता है, जिस प्रकार तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना, सेम उसी तरीके से जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है उसको ईरान हिसाब है वो करते हैं सपोर्ट। अब ईरान उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या रहा है, इस वाले एरिया में वो काफी छेड़खानी कर रहे हैं। देखो मेनली जो इस वाले एरिया में सारी लड़ाई हुई थी वो स्टार्ट हुई थी आईएसआईएस के खिलाफ, असद था वो भी आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहा था और ईरान का जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला ये भी आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहा था। और इस टाइम पे यूएसएसआर था तो रशिया था वो भी इनको सपोर्ट कर रहा था कि भाई असद को सपोर्ट कर रहा था कि भाई आप आईएसआईएस को खत्म करो जैसे तैसे, और ईरान का हिजबुल्ला संगठन था वो भी खत्म कर रहा था। बट ईरान का जो हिजबुल्ला संगठन था वो भी एक तो एक आतंकवादी संगठन था और ये यहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट थी असद रेजिम। अब इश्यू यहाँ पे आता है कि जो इसराइल की जो सॉरी जो मैली यहाँ का ईरान के जो आतंकी जो सपोर्टर थे ना हिजबुल्ला, अभी हिजबुल्ला आतंकी संगठन है ये एक्चुअली इसराइल में भी काम करता था, मतलब इसराइल में इसने काफी अटैक किए थे। तो इसराइल को हिजबुल्ला से काफी प्रॉब्लम, मतलब इसराइल की हिजबुल्ला से बिल्कुल नहीं बनती है, ईरान से बिल्कुल नहीं बनती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सीरिया के इस वाले एरिया में ना जो बॉर्डर वाला है सीरिया और जो मतलब इसराइल वाला एरिया बॉर्डर वाले, इस वाले एरिया में हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन है इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका दबदबा बढ़ता जा रहा है और इसे खत्म करने के लिए जो रूस है वो भी लगातार हेल्प तो कर रहा है असद रेजिम की, बट उतना रिजल्ट वो आ नहीं रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस एरिया में ऑब्वियसली हिजबुल्ला आतंकी संगठन अपने पैर बढ़ा रहा है या गढ़ा रहा है तो उसका साफ साफ नुकसान होगा इसराइल को, क्योंकि इसराइल की तो हिजबुल्ला से बिल्कुल नहीं बनती है, उसकी तो एकदम 36 का आंकड़ा है जिसका इंडिया का तालिबान के साथ है। तो सेम सीन हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है इसराइल है
वो इस वाले एरिया में अटैक कर रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है, तो इसलिए इसराइल है वो इस मामले में इन्वॉल्व हो रखा है। तो आई होप आपको कंप्लीट जो केस है वो समझ में आ गया। तो देखो मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी अंदर जो स्टोरी है वो कुछ काम की है नहीं। रियल जो आपके समझने लायक जो पॉइंट है हमारे लायक जो यूपीएस में पूछ सकते हैं वो यही है, ताकि हमारे यहाँ का सारा सीनेरियो वो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि असद है वो यहाँ की सीरिया की लोकल रेजिम है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल फोर्स है, और जो ईरान के द्वारा सपोर्टेड आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला इस वाले एरिया में अपने एरिया है वो मतलब अपना पैर है वो दबदबा बढ़ा रहा है, उसकी वजह से जेरूसन का सॉरी इसराइल को काफ़ी इश्यू हो रहा है, क्योंकि इसराइल और सीरिया का बॉर्डर है वो टच करता है। एक गोलान हाइट्स का आपको ध्यान रखना कि गोलान हाइट्स था वो पहले सीरिया का पार्ट था, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इसके बाद इसे इसराइल ने हड़प लिया था 1967 की वॉर में। तो ये कंप्लीट इशू था, ये कंप्लीट यहाँ की लड़ाई थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मेन जो इसका पोर्शन था वो हमने यही सारे पॉइंट्स थे एक एक करके। अब यहाँ पे जो बात आती है अगली, ये तो कंप्लीट हमारे आर्टिकल के बाद हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। देखो तो सबसे पहले कावेरी रिवर का जो आर्टिकल था, कावेरी रिवर के जो आर्टिकल में एक दो पॉइंट यही आए थे कि भाई कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया और कहा कि भाई आप जल्द से जल्द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया ताकि वाटर का मैनेजमेंट है वो हो सके और जो इशू है वो खत्म हो जाए सारा। बट आपको पता है कि कर्नाटक में इलेक्शन आने वाला है और कर्नाटक गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो बनाया जाए, क्योंकि देखो इलेक्शन आ रहे हैं तो अपनी वोट बैंक के चक्कर में वो भी रोटी सेकना चाहते हैं। तो अब बीजेपी भी ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है और कांग्रेस भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, तो सभी पार्टियाँ चाह रही हैं कि यार जैसे तैसे कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो ना बना जाए और वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में रखा जाए। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो वोट बैंक के चक्कर में पानी वाली ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले भी अच्छा नहीं हुआ है। एग्जाम्पल दिया जाता है, सबसे अच्छा वो दिया जाता है कि पंजाब का, कि भाई पंजाब में सतलज यमुना का जो रिंक वाला एरिया था उसके अंदर भी 2004 में काफ़ी ड्रामे किए गए थे और जो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी अमरिंदर सिंह थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी मतलब कि लोगों को ट्रिक किया जाए, बट रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ था। इससे पहले भी कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने भी काफ़ी स्टेप उठाने की कोशिश की थी, मतलब वोट बैंक के चक्कर में जो एग्रीमेंट थे वो कैंसिल किए थे पानी के लिए, बट फायदा कुछ नहीं हुआ था। तो राइटर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का फॉलो करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को और आगे काम करना चाहिए। अगला जो आर्टिकल था ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था रेमिटेंस के बारे में, कि इंडिया की इकोनॉमी है उसमें रेमिटेंस का काफ़ी बड़ा रोल है, बट अभी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज और जो वेस्ट एशिया मिडिल एशिया वाला एरिया है उसमें इंडिया को एक्चुअली प्रोटेक्शन की पॉलिसी की वजह से इंडिया को लॉस होने वाला है। तो मतलब ऑल ओवर बात यह कि इंडिया में रेमिटेंस नहीं आएगा, अगर इंडिया में रेमिटेंस नहीं आएगा तो इंडिया का जो केरला स्टेट का एग्जाम्पल लिया जाता है कि भाई वो स्टेट है वो रेमिटेंस पर डिपेंड है, तो उस स्टेट को अपने से पहले से तैयार रहना चाहिए ताकि जो लोग वापस इंडिया में आएंगे फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में तो उनको रोजगार वगैरह का इश्यू ना हो, अदरवाइज यहाँ की केरला की इकोनॉमी वो कोलेप्स हो जाएगी। ये यहाँ पे आर्टिकल था, ये था आम आदमी पार्टी के बारे में, कि आम आदमी की पार्टी है उसकी ब्यूरोक्रेसी का रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसकी वजह से मामला काफी संज्ञान मतलब काफी संज्ञानगेज हो गया है और अब यहाँ पे इश्यू जो सबसे बड़ा आ रहा है, या तो देखो ये बात आती है कि एक पॉइंट क्या आता है कि भाई दिल्ली है वो फुल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली के पास पावर कम है और जो यहाँ पे मेनली जो ज्यादातर चलती है वो चलती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति समर्पित होती है, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी है वो संविधान में जो कानून बनाए गए उनको फॉलो करती है, ना कि वो लोगों की रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, उसको संविधान के कानून फॉलो करने होते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, अगर वो संविधान में अमेंडमेंट चाहती है तो उस तरीके से उसे एक्शन लेना चाहिए, बट इस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स पे हमले किए जा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में जो आर्टिकल था वो हमने यहाँ पे देखा सीरिया के बारे में था, इस आर्टिकल में एक दो पॉइंट ये डिस्कस किए गए थे कि भाई सीरिया की जो सिटी है ईस्टर्न गोटा, इस सिटी में सऊदी अरब और जो सऊदी अरब वो कतर है उसके द्वारा लगातार बमबारी की जा रही है और मतलब यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर है वो लगातार चल रहा है। सिविल वॉर काफ़ी पहले से चल रहा है 2007-08 से, वो समस्या जो की तो बनी हुई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में ये वाला आर्टिकल था सीरिया और इसराइल के बारे में, तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि भाई इसराइल को क्या इशू है, इसराइल को इशू हमने देख लिया सारा कि इसराइल का पड़ोसी है और वहाँ पे हिजबुल्ला का अगर एरिया बढ़ रहा है तो सीरिया को बिल्कुल इसराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसराइल में सीरिया ने इसराइल में सॉरी इसराइल के अंतर्गत हिजबुल्ला ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, तो उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है जिस प्रकार इंडिया की तालिबान से नहीं बनती है। तो ये थे कंप्लीट हमारे डिस्कशन, और जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ली जाएगी, क्योंकि आज वो मैं एक्चुअली स्कैन नहीं कर पाया, काफ़ी लेट हो गया। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।